इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। अब इस नोटिस में क्या बताया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस PDF में आज क्या बताया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मैं लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर चाहे वो आपके टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेकर हो, या फिर आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, या फिर आपके फाइनल कट ऑफ फाइनल रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड ने क्या नोटिस जारी किया है। तो इसमें इन्होंने दो चीज जारी की है, एक तो आपके ऑफिशियली एग्जाम डेट जारी कर दी है टाइपिंग टेस्ट की, कि टाइपिंग टेस्ट कब होगी उसके लिए आवश्यक निर्देश क्या है, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट के लिए जो निर्देश है वो जारी किए हैं। तो दोनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2023 क्रमांक 1307 दिनांक 16/1/2023 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। यानी कि 16 जनवरी 2023 को आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई थी। यह परीक्षा आपके 21/1/2024 को आयोजित की गई थी, यानी कि 21 जनवरी 2024 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस सीधी भर्ती परीक्षा के भाग द्वितीय कंप्यूटर आधारित अर्हता टंकन गति परीक्षण का आयोजन, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके 27, 28, 29 अगस्त 2024 को किया जा रहा है। यानी कि टाइपिंग टेस्ट पहले जो आपके 6 दिन की होने वाली थी वो अब 3 दिन की हो रही है, 27, 28 और 29 अगस्त को। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए आवश्यक निर्देश क्या है उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। उससे पहले जो अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश लिखा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उक्तानुसार कार्यक्रम के अंतर्गत टंकन गति परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यानी कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ जयपुर में ही की जाएगी और जो भी निर्धारित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए बोर्ड द्वारा कंप्यूटर भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु स्वयं का कीबोर्ड साथ लाना वर्जित है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट स्वयं का अपना कीबोर्ड साथ लेके नहीं आ सकता, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाए, विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटोयुक्त एक पहचान पत्र भी लेके जाना है, और खासकर आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड ना हो तो विशेष परिस्थिति में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, यानी कि उसकी फोटोकॉपी नहीं मान्य होगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है। पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो और पारदर्शी नीली शाही बॉल पेन साथ लेके आवे, इनके अलावा अन्य कोई सामग्री परीक्षा केंद्र पर साथ नहीं लेके जाए। यानी कि टाइपिंग टेस्ट में आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है तो मैं बता देता हूँ, प्रवेश पत्र लेके जाना है, उसके अलावा एक फ़ोटो लेके जाना रंगीन फोटो, ब्लू पेन लेके जानी है, और एक आपको पहचान पत्र लेके जाना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके संबंध में विस्तृत सूचना यथाशीघ्र अलग से दी जाएगी। यानी कि प्रवेश पत्र आपके अलग से जारी होंगे जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर बता दी जाएगी, और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, हम भी आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सूचना विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए जो संलग्न हैं, मॉक टेस्ट रॉयल बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय पृथक से उपलब्ध करवाए जाएंगे, अभ्यर्थी इनका अध्ययन अवश्य कर लिए। मॉक टेस्ट रॉयल जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय अलग से पृथक करवा दिए जाएंगे, अभ्यर्थी इनका अध्ययन अवश्य कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए थे, परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी बहकावे में नहीं आवे, परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक विचार पर भी विचार ना कीजिए। यानी कि आप अपडेट जाने के लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर तुरंत पल पल की अपडेट जाने के लिए विजिट करते रहिए, बाकी जो भ्रामक खबरें होती है उन पर आप विचार ना करें। चेतावनी में लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है,
तो इनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड और 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की भी सजा का प्रावधान है। और नवीन जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर का अवलोकन करते रहे। टंकन गति परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश भी आगे बताए गए हैं। क्या है 2024 परीक्षा के लिए दिशा निर्देश, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहित भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी मैं अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट को लेकर दिशा निर्देश में सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य दिशा निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटे 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होए। यानी कि परीक्षा का टाइम जैसे कि आपका 9 बजे, तो आपको 1.5 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर उपस्थित होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, टंकन गति परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश और प्रायोगिक टेस्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। आशा है आप द्वारा टंकन गति हेतु दिशा निर्देश और प्रायोगिक टेस्ट को देख लिया होगा। यानी कि इस परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश और प्रायोगिक टेस्ट है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आपका प्रवेश पत्र जाँचा जाएगा, आपकी गहन जाँच की जाएगी तथा जाँच के दौरान अवांछनीय वस्तु पाए जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी PDF आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो परीक्षा केंद्र पर क्या आपका प्रवेश पत्र चेक किया जाएगा और आपकी तलाशी की जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसे उन्हें संदेह हो जाएगा कि ये नकल कर सकते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवेश पत्र जाँच के बाद आपको परीक्षा हॉल में भेजा जाएगा। परीक्षा हॉल में आपकी बायोमेट्रिक और तस्वीर कैप्चर होगी। बायोमेट्रिक और तस्वीर कैप्चर होने के बाद किसी भी कारणवश किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार आपका बायोमेट्रिक और तस्वीर आपका फोटो कैप्चर हो गया उसके बाद आपको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में परीक्षक आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर करा के ही अंकित करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है तथा कीबोर्ड और माउस भी पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपयोग के बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। यानी कि परीक्षा हॉल में आप बैठो उससे पहले चेक कर दो जो आपका कंप्यूटर है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, कीबोर्ड माउस भी काम सही कर रहे हैं। अगर काम सही नहीं करे और आप जिनकी एग्जाम हॉल में ड्यूटी लगी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हो तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी जो भी आपके प्रॉब्लम आएगी उसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीन पर दिए गए पेरिफेरल बटन को क्लिक करके अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड और माउस भी चेक कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे वो आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। टंकन गति परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसमें आपके विशेष रूप से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा और यदि किसी कारण वह सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभिजागर को तुरंत आप सूचित कीजिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगी है उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कंप्यूटर पर टंकन गति परीक्षा से पूर्व तथा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा इससे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि कंप्यूटर में जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा आप उसके अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ ना करें क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे उस प्रॉब्लम को लेकर। सूचना सहायक टंकन गति परीक्षा के अंतर्गत 2 भाग होंगे जिनका वर्गीकरण इस तरह से होगा, पहले आपके हिंदी टाइपिंग होगी फिर इंग्लिश होगी। हिंदी में भी 15 मिनट का समय होगा, इंग्लिश में भी 15 मिनट का समय होगा और अर्थ हेतु जो न्यूनतम औसत टंकन गति है वो 20 सही शब्द आपके प्रति मिनट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ हेतु दोनों भाषाओं में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंकन गति को पास करना आपको गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। जो कि आपकी जो न्यूनतम औसत टंकन गति दे रखी है ये आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। टंकन गति परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी। प्रत्येक भाग हेतु 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकन गति परीक्षा होगी, द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकन गति परीक्षा ली जाएगी और दोनों परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल रहेगा। पहले आपके हिंदी टाइपिंग होगी 15 मिनट की, फिर 5 मिनट का अंतराल होगा, उसके बाद आपके 15 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग शुरू होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब टंकन गति परीक्षा निर्देश क्या है तो आप देख सकते हैं जो आपको दिखाया गया ये आपका हिंदी कीबोर्ड है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप से है, इसे देवलाइस 010 फॉन्ट के अनुसार चेक कर लेवे। कीबोर्ड की कुछ की देवलाइस 010 फॉन्ट के अनुसार दृष्टांत से भिन्न भी
हो सकती है। टंकन गति परीक्षा हेतु कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग कर टंकित करना। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और नीचे जो प्लेन स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ये टाइपिंग करना है। जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ आपको सेम टाइप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अभितरी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वो उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, गलत वर्ड टाइप हो गया, तो आप उसमें सुधार तब तक कर सकते हो जब तक आपने स्पेस बार का उपयोग ना कर लिया हो। अगर आपने स्पेस बार का उपयोग कर लिया हो उसके बाद आप बैक स्पेस का उपयोग करोगे तो भी आपका वो गलती है वो नहीं सुधरेगी। इसलिए गलती को सुधारने के लिए आपको बिना स्पेस बार का उपयोग किया आप बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हो। एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में अन्य अगले शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, माउस को अभ्यर्थी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दिखाए गए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के उद्देश्य से ही उपयोग कर सकेंगे। यानी कि माउस का उपयोग आप कब कर सकते हो, दो टाइम कर सकते हो। एक तो आपको जो ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है उसको स्क्रॉल करने के लिए, और दूसरा अगर आपका समय से पहले कंप्लीट हो जाती है टाइपिंग टेस्ट तो उसे सबमिट करने के लिए। इस दो टाइम में ही आप माउस का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अभियंत्री की गति और दक्षता टंकन गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित होती रहेगी, इसलिए अभियंत्री पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम में और रूप में टंकित करें। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर एरर अंकित करेगा। यानी कि जो ऊपर पैराग्राफ में दे रखा है उसे उसी वर्ड में आपको टाइप करना है, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में टाइप करना। अगर आगे पीछे टाइप किया तो आपके भी एरर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीन पर ऊपर की तरफ घड़ी दिखती रहेगी जो ये दर्शाएगी कि परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय शेष है। आपको साइड में स्क्रीन के ऊपर घड़ी भी दिखाई देगी जिसमें आपको समय भी बताया जाएगा कि अभी आपके कितना समय और शेष है। समय पूर्ण होने पर वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। हिंदी या अंग्रेजी स्पीड टेस्ट का समय समाप्त होने के बाद कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई जाएगी। कन्फर्मेशन स्क्रीन सिर्फ पुष्टिकरण के हेतु है। कन्फर्मेशन स्क्रीन में अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए पैराग्राफ को दिखाया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकेंगे। कन्फर्मेशन स्क्रीन में पुष्टिकरण के हेतु 1 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। कन्फर्मेशन स्क्रीन में दिए गए पैराग्राफ की पुष्टि करने के लिए कन्फर्मेशन बटन को क्लिक करके अभ्यर्थी को अपना पासवर्ड डालना रहेगा। कन्फर्मेशन स्क्रीन में दिए गए पैराग्राफ में कुछ भी समस्या है तो अभ्यर्थी को तुरंत सूचित करें। यानी कि जैसे ही आपके हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट का समय समाप्त होगा उसके बाद आपको कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपने जो टाइप किया पैराग्राफ वो शो होगा और ये आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट के समय तक के लिए रहेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, कन्फर्मेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको अपने पासवर्ड डालने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा टंकन गति परीक्षण अवधि परीक्षा पूर्ण कर लेने पर एग्जाम कंप्लीट लिखा दिखाई देगा। यानी कि जैसे ही आप टाइपिंग कंप्लीट कर लेगे आपका एग्जाम है वो कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। अभ्यर्थी को हिंदी टंकन परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाएगी। इसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग शुरू होगी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश क्या है वो बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश, अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द या गति सॉफ्टवेयर द्वारा जांची जाएगी। आपके जो वर्ड है वो सॉफ्टवेयर द्वारा जांची जाएगी। अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार ही यथाक्रम में ही कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में टंकित करना है। यदि कोई शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया गया तो वो त्रुटि मानी जाएगी, अतः आप शब्द को देखकर उसे ही टंकित करें। शब्द के यथाक्रम अनुसार टंकित न करने पर आप द्वारा टंकित शुद्ध शब्द भी त्रुटि में माना जाएगा। यानी कि अगर आप शुद्ध शब्द को भी 2 बार लिखोगे तो भी त्रुटि आएगी, अशुद्ध लिखने पर त्रुटि तो आएगी, और जिस क्रम में नहीं लिखोगे उस क्रम में उल्टे क्रम में लिखोगे तो भी आपके त्रुटि आएगी। टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन भी एरर मानी जाएगी। अभ्यर्थी को शब्द को ध्यानपूर्वक देकर समान शब्द टंकित करना है। यदि अभ्यर्थी उसे उसी रूप में टंकित नहीं करता तो सॉफ्टवेयर एरर मानेगा। ये भी पॉइंट हो चुका है। टंकन गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी। इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने कितने शब्द है वो सही किए। सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अर्थ हेतु निर्धारित औसत टंकन गति के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाएगा। अब सही शब्द का अभिप्राय क्या है, ऐसे शब्द से जिसके आगे और पीछे व्हाइट स्पेस हो। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों विराम चिन्हों के ऐसे समूह से है जिसके पहले और बाद में व्हाइट स्पेस हो। जैसे कि ये सही शब्द लिखा हुआ तो सही एक शब्द हो गया और शब्द ये दूसरा शब्द हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है,
हिंदी टंकन परीक्षा के दौरान मात्राओं के एक से अधिक बार दबने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। हिंदी टाइपिंग करते समय अगर मात्राएं एक से अधिक बार दब जाती है तो आपके त्रुटि मानी जाएगी। यद्यपि मात्राओं के एक से अधिक बार दबने से शब्द सही रूप से दिखाई दे सकता है, किंतु टंकन में मूल्यांकन हेतु शब्द को अगर आप मात्रा एक से अधिक लगा देते हैं, आपको शब्द सही दिखाई दे रहा है, तो भी आपके वो मूल्यांकन के समय शब्द को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर और खड़ी पाई के संयोजन से टंकित किए जाते हैं तो ऐसे अक्षर और संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, सिवाय किनके? इन शब्दों को जो कि आपको स्पष्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, ख स छ थ भ ध घ क्ष ण, इन शब्दों को छोड़कर बाकी कोई शब्द यदि आधा अक्षर या खड़ी पाई के संयोजन से टंकित किए जाते हैं तो वो आपके त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार कीबोर्ड पर एक ही स्ट्रोक से बनने वाले पूर्ण अक्षर को ही सही माना जाएगा। अंग्रेजी टंकन गति परीक्षण अर्थात कैपिटल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर के स्थान पर कैपिटल लेटर के प्रयोग को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यानी कि इंग्लिश टाइपिंग में अगर आप जहाँ कैपिटल लिखना है वहाँ आपने स्मॉल लिख लिया या जहाँ स्मॉल लिखना है वहाँ कैपिटल लिख लिया तो आपके एरर मानी जाएगी। जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको टाइप करना है। अब सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश, जैसे कि देख सकते हैं टंकन गति परीक्षण सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर पर दृश्य इस प्रकार होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड दे रखा है, आपको यूजर आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है। कन्फर्मेशन के आगे कोष्टक होगा, उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग पहले शुरू करनी होगी, उसके बाद आपकी इंग्लिश की होगी। सॉफ्टवेयर में लॉगिन हेतु यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग करना है। यूजर आईडी पासवर्ड आपको परीक्षा हॉल में अभिजागर द्वारा दिया जाएगा, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एग्जाम ड्यूटी में जिनकी ड्यूटी लगी है वो टीचर आपको देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन दबाने पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। टंकन गति परीक्षण सॉफ्टवेयर स्वतः ही टंकित किए गए शब्दों को सेव करता है। अंग्रेजी टाइप के लिए कुरियर न्यू फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी टंकन के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड और देवलाई 010 फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा। टंकन गति परीक्षण में अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र में टंकन हेतु पैराग्राफ स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। टंकन गति परीक्षण शुरू होने के बाद निर्धारित समय पूर्ण होने पर सॉफ्टवेयर स्वतः रुक जाएगा। यानी कि आपका समय पूर्ण होने के बाद भी अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट नहीं हुई तो आपका जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। दोनों गति परीक्षण पूर्ण होने के बाद फाइल अपलोड डिक्लेरेशन स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें आई एग्री और ओके बटन पर क्लिक करने से परीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। टंकन गति परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर आप अपने शिक्षक को तुरंत सूचित करें। तो ये थे आवश्यक निर्देश 2024 के लिए परीक्षा के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सूचना सहित भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।